नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल एलईडी टीवी जिसका मेनू वगैरह प्रेस करने पे कुछ इस तरह का स्क्रीन आता है, इसको हम स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड टीवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रिमोट का मेनू बटन प्रेस करने पे हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन आए। अब यदि हम रिमोट का सोर्स बटन या इनपुट बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने देखिए ये सब ऑप्शन आते हैं, AV1, AV2, TV, USB1, USB2, HDMI। अब इस नॉर्मल टीवी में एंड्रॉयड वाले स्मार्ट टीवी वाले सारे फीचर्स आ जाएं, उसके लिए हमें एक मदरबोर्ड की आवश्यकता होगी, एंड्रॉयड बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने बोर्ड यूज किया है, जाइनेक्स प्रो करके एक बोर्ड आता है, डिब्बे में कुछ इस तरह मेंशन है। और ये स्मार्ट टीवी का काम्बो बोर्ड है, यूनिवर्सल बोर्ड होते हुए एक काम्बो है, काम्बो मीन्स पावर सप्लाई इसमें इनबिल्ट है। बॉक्स को ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर बॉक्स के साथ हमें एक रिमोट मिल जाता है, ये रिमोट है और रिमोट के साथ हमारा मदरबोर्ड है। तो रिमोट अभी हम ओपन करके दिखाएंगे, मदरबोर्ड हम निकाल लेते हैं। तो इसका मदरबोर्ड देखिए, काम्बो मदरबोर्ड है, फुल फीचर्स के साथ है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अब काम्बो मीन्स इसमें हुआ कि इसमें पावर सप्लाई इनबिल्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो एंटीना दिखाई पड़ रहा है, यानी एक वाईफाई का एंटीना है और एक हमारा यहाँ ब्लूटूथ का एंटीना है। इसके अलावा इसमें जो रिमोट दिया है, ये ऑडियो सर्च आप रिमोट के ज़रिए से वॉइस सर्च भी करा सकते हैं। तो दो यहाँ पे एंटीना इनबिल्ट एंटीना है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो रिमोट है, रिमोट ये इनबिल्ट ऑडियो वाला है। तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं और इस रिमोट को देखिए, बहुत ही प्यारा लुक जो कि इस मदरबोर्ड के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, स्पीकर के जस्ट नीचे माइक का सिंबल बना हुआ है, इसको प्रेस करते ही हमारा माइक यहाँ पर वर्क करेगा और इस माइक से हमारा जो भी वॉइस हम बोलेंगे ये हमारा मदरबोर्ड रिसीव कर लेगा और रिसीव करके वो चीज़ें वहाँ सर्च कर देगा एज ए गूगल असिस्टेंट। और यदि यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी सर्च करने के लिए आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं, रिमोट से वॉइस कमांड द्वारा आप सर्च कर देंगे। अब इस मदरबोर्ड पे आ जाएं, इसका मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल इसका है NH352.801V4, यानी वर्जन 4 का है, NH352.801। और ये हमारा काम्बो बोर्ड है। अब इसमें आप इस साइड देखिए, दो USB है, दो AB इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस साइड TV ट्यूनर हमारा इसमें नहीं रहता। और दो HDMI इनपुट का ऑप्शन है, RJ45 है और यहाँ पर हेडफोन लगाने का ऑप्शन दिख रहा है। एक रेड कलर का हमारा यहाँ कोएक्सल इनपुट का भी ऑप्शन है। काम्बो बोर्ड है और सबसे अच्छी खूबी है कि ऑल फीचर्स वाला है, इसमें सारे फीचर्स इनबिल्ट हैं। RJ45 आप डायरेक्ट लाइन कनेक्शन जोड़कर इंटरनेट चला सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यहाँ पर जो एक पावर सप्लाई का हिस्सा है और इधर आपका मदरबोर्ड है। तो पावर सप्लाई इनबिल्ट है, कंपनी द्वारा पावर सप्लाई इसमें इनबिल्ट है, तो इसको काम्बो मदरबोर्ड बोला जाता है। तो इस बोर्ड में आप देखिए, ये हमारा 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल मेमोरी के साथ है। मॉडल वही NH352.801 4H वर्जन 4, ऐसा इसमें मेंशन है। 75 वाट का ये भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इंस्टॉल करके मैं आपको चेक कराऊंगा कि कैसा इसका अंदर इंटरनल फीचर्स क्या है। तो यहाँ पर हम LED TV को अपना बैक पैनल को ओपन करेंगे, ओपन करके इस एंड्रॉयड वाली जो स्मार्ट TV का बोर्ड है इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। बैक पैनल ओपन करने के बाद इस तरह पुरानी TV का बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि नॉर्मल TV का है। अब इस बोर्ड के सारे कनेक्शनों को हमें समझ के ही इस पर काम करना है। नए बोर्ड का सारा कनेक्शन पुराने से नए वाले बोर्ड पे हमें लगाना है। तो इस पुराने बोर्ड पर हमें यहाँ देख लेना है LVDS केबल है, इसमें हमें ध्यान देना है कि नंबर 1 पे हमारी सप्लाई और ग्राउंड के रहते हैं। तो और यहाँ पर आपका पैनल का LED का सप्लाई है, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें प्लस माइनस का ध्यान देना है, राइट साइड में देखिए माइनस है, लेफ्ट साइड में प्लस है। तो LVDS केबल और उसको हमें देना, और यहाँ पर आपका IR कनेक्टर प्लस साइड में जो बटन वाले बटन से जो आपका कंट्रोल होती है TV उसका कनेक्शन का यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है, ये पुरानी TV में है। इन सारे कनेक्शनों को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने नए मदरबोर्ड पर, नए जो हमारा स्मार्ट TV का बोर्ड है उस पर हम करेंगे।
तो यहाँ पर IR का कनेक्शन रहता है और LVDS केबल, इन सबको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं, करने के बाद आपको दिखाते हैं क्या फीचर्स है। तो हमारी TV एक स्मार्ट TV में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको पावर ऑन करके जैसे ही रिमोट का बटन पावर बटन प्रेस करते हैं, कुछ इस तरह का विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड TV करके लिख कर आ रहा है। और ये लिख कर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड टाइप का यहाँ पर कुछ सिंबल भी चलने लगा है। स्मार्ट TV ऑन करने पर अक्सर कुछ इस तरह का सिंबल आता है, ये देखिए एंड्रॉयड लिख कर आ गया। हमारी नॉर्मल TV स्मार्ट TV में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड लिख के आ रहा है, यानी ये एंड्रॉयड TV हमारी है। और आगे आपको दिखा देते हैं, इसमें ये देखिए हमारी स्मार्ट TV ऑन होके, अब ये देखिए जैसे हमारी स्मार्ट TV ऑन हुई कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रहा है। इसमें नेट कनेक्ट नहीं है, नहीं तो कुछ सामने स्क्रीन कुछ और दिखाई देता। अब हम आपको सेटिंग में जाके इसमें इंटरनल फीचर्स इसका दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सामने अभी दिखा रहा है कि नेट कनेक्शन नॉट अवेलेबल। अभी इसकी सेटिंग में हम जाते हैं, तो देखिए सेटिंग में आए, यहाँ पर राइट साइड में जाके सिस्टम इनपो पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से दिखा देते हैं, यहाँ पर हमारा स्टोरेज 16 GB इंटरनल मेमोरी 16 GB और 2 GB का रैम है। एंड्रॉयड 12 पर वर्क कर रहा है और इस समय वाईफाई से कनेक्शन या नेट से कनेक्शन इसका नहीं है। 4 कोर का ये हमारा बोर्ड है, 4 कोर का है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 16 GB इंटरनल मेमोरी और 2 GB रैम के साथ बहुत ही अच्छा ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, जिसको हमने नॉर्मल TV में इंस्टॉल कर दिया और हमारी नॉर्मल TV स्मार्ट TV में कन्वर्ट हो गई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। और इसमें कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यदि मैं इसकी इंटरनल मेमोरी पर जाता हूँ तो यहाँ बता रहा है 10% स्टोरेज यूज हुआ है, इसके अलावा स्टोरेज आपका खाली है। क्लियर कैच यदि हम करके देखते हैं, देखिए क्लियर कैच यहाँ पर यदि हम करते हैं तो क्लिक ओके करते ही रिमोट का बटन रोटेट ओके करते ही हमारा क्लियर कैच का प्रोसेस शुरू हो गया। सारे फीचर्स यहाँ पे आपको पूरा एंड्रॉयड जब मोबाइल स्मार्टफोन आप चलाते हैं उसी तरह के यहाँ पर फीचर्स आपको मिल जा रहा है। अभी क्लियर कैच हमारा हो रहा है। क्लियर कैच होने के बाद देखिए परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। 4 कोर क्वाड कोर का ये हमारा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, लेकिन स्पीड स्मूथली बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी अच्छी स्पीड में फंक्शन कर रहा है, यानी स्मूथनेस एकदम इसमें है, कोई लैगिंग नहीं है, बहुत ही फ्री वर्क कर रहा है, बहुत ही हाई स्पीड में वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए ऐप प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, यहाँ एंड्रॉयड TV है, ब्राउज़र है, गूगल प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, मीरा कास्ट है और DLNA फीचर्स है, ब्राउज़र है, बहुत सारे यहाँ पर प्राइम वीडियो का भी ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और भी ऐप की आवश्यकता हो तो आप प्ले स्टोर से जाके इन ऐपों को और भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे इसी तरह के वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।